वेलकम बैक टू माई चैनल ट्विंकलिंग स्टाइल एंड फैशन। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गेस व्हाट, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन माई कैमरा। आई डोंट नो मैं कैसे लग रही हूँ, आई होप अच्छी लग रही हूँ। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा सेटअप नहीं की हूँ अभी तक, मतलब अपने कैमरा का और यू नो मेरे स्टूडियो का, पर धीरे धीरे हो जाएगा। और अभी लाइट भी थोड़ा कम है और उसी कम लाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ। सो आज जो मैं वीडियो बनाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। मेरा प्लानिंग था ये 2020 के एंड में बनाने को दिसंबर में, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम ये मतलब डिले होते गया और फाइनली मैं अब बना रही हूँ। सो दिस इज़ द मेकअप कलेक्शन ऑफ माइन ऑफ 2020। सो 2020 में मैं जो भी मेकअप कलेक्शन की हूँ, और यू नो मेरे मतलब YouTube जर्नी का स्टार्टिंग से लेके अभी तक, अप्रैल में मैं स्टार्ट की थी लॉकडाउन के टाइम में, अभी तक मेरा जितना भी मेकअप प्रोडक्ट है दैट आई एम गोना शो यू। आई नो किसी को ये बहुत ज़्यादा लग सकता है, किसी को ये बहुत कम लग सकता है, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव। मैं कुछ मतलब शो ऑफ के लिए नहीं दिखा रही हूँ, बस मुझे अपना मेकअप कलेक्शन आप लोगों को दिखाना था। सो आई एम शोइंग यू, आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। और जो भी प्रोडक्ट का मुझसे हो पाएगा आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल टू गिव ऑल द लिंक्स। और मेरे पास जितना था मैं उतने का ही वीडियो बनाई हूँ। सो किसी को कम लगे ज़्यादा लगे दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आई होप यू ऑल विल एन्जॉय इट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हेल्प मी टू हिट 1K सब्सक्राइबर। इट्स रियली नेसेसरी फॉर मी। सो वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं, सॉरी इंट्रो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो ये वाला है मेरा मतलब बेड, और बेड में अभी पड़ा है मेरा कैमरा। ओके, सो बेड में अभी पड़ा है मेरा कैमरा। सो ये है मेरा फुल कबर्ड। अभी तो मैं अपना मतलब ये मेरा वार्डरोब है दोनों साइड में, और ये जो बीच वाला है सेक्शन दिस इज़ माय वैनिटी। और मैं अपना ट्राइपॉड और रिंग लाइट लगाई हूँ क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा मेकअप कलेक्शन ऑफ 2020। सो 2020 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पे एक मिरर है, मिरर के पीछे भी एक कंपार्टमेंट है और साइड में कुछ कंपार्टमेंट है, और यहाँ पे 4 ड्रॉयर है और नीचे एक बड़ा सा ड्रॉयर है। बस इतने में मैं अपने पूरे मेकअप को ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल सी कि क्या क्या मेरे मेकअप कलेक्शन में है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाले ड्रॉयर से स्टार्ट करूँगी। सो वी गोना सी इसमें क्या क्या रखा है। सो ये है मेरे सारे के सारे स्किन केयर। सो एज यू ऑल कैन सी दिस, आपको चारों तरफ प्लम प्लम दिख रहे होंगे क्योंकि प्लम इज माई फेवरेट ब्रांड। सो मैं यहाँ से शो करती हूँ आपको। सो दिस वन इज एवर यूथ। ओके, सो दिस वन इज एवर यूथ का टैन रिमूवल फेस पैक। सो दिस वन इज लोटस का वाइट ग्लो क्रीम जो कि मैं यूज नहीं करती हूँ अभी। दिस वन इज प्लम का ग्रीन टी नाइट जेल नाइट क्रीम, एंड दिस वन इज माई ऑल टाइम फेवरेट सनस्क्रीन न्यूट्रिजिना अल्ट्रा श्योर सनस्क्रीन। सो इस डिब्बे में जो क्रीम है वो गुड वाइब्स का ही क्रीम है, मैं इसको इसमें ट्रांसफर कर दी हूँ क्योंकि वो डिब्बा खराब हो गया था। एंड दिस वन इज, लेट मी शो यू, दिस वन इज एम कैफिन कॉफी बॉडी स्क्रब। ओके, सो इसके बाद ये वाला मैं नहीं निकालूंगी। ये हेयर मास्क है बेला वीटा का। यहाँ पे है निविया का अंडर आर्म्स, हाँ निविया का अंडर आर्म वाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन। यहाँ पे है मेरा नाइट क्रीम प्लम का। ये करंट मेरा जो भी सारा मतलब स्किन केयर है मैं ऑलमोस्ट इसमें रखी हूँ, और ये वाला प्लम का फेस मास्क है, इसका स्पैचुला है। यहाँ पे है गुड वाइब्स का लेमन लिप स्क्रब। सो यहाँ पे उसके नीचे रखा है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर।
ये वाला है कोई बॉडी लोशन, मेरे को फ्री में मिला था पर्पल से, वाओ का। सो ये वाला है प्लम का मॉइस्चराइज़र, ये वाला प्लम का फेस वॉश। यहाँ पे है प्लम का ग्रीन टी क्लियर स्पॉट लाइट जेल, यहाँ पे वही वाला है उसका और एक डिब्बा। ये वाला नीचे वाला शायद फेस स्क्रब है वेस्टीज का। सो यहाँ पे है, लेट मी शो यू, बायोलेज का स्मूदनिंग हेयर सीरम, और उसके नीचे है यहाँ पे है डम डक का फेस वॉश, जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश। और यहाँ पे रखा है अर्बन बॉटनिक्स का टी ट्री फेस वॉश। ओके, सो करेंटली अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मेरा करेंट फेवरेट स्किन केयर है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, आई एम गोना गिव रिव्यू अबाउट दिस ऑल्सो, वो है दिस डॉटनकी का हाइड्रो पील ग्लो पोशन। ओके, सो लेट मी ओपन दिस एंड शो यू, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, इसके ऊपर मैं रिव्यू करूँगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्किन केयर सेक्शन, इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ। सो नीचे का जो ड्रॉयर है इसमें भी स्किन केयर ही है, तो ध्यान से ओपन करना पड़ेगा। वाओ, मैं कितना सुंदर से ऑर्गेनाइज की हूँ, है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे क्रीम्स, और ये मेरे सारे के सारे एसेंशियल ऑयल्स हैं। ओके, सो लेट मी शो यू वन बाय वन करके आपको दिखाती हूँ। सो ये जो फर्स्ट वाला है ये गुड वाइब्स का क्यूकम्बर लेमन सेरम है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है, दिस वन इज NYB का सेरम। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है वो है विट सिट्रस का विटामिन सी सेरम। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट वन है वो है डम डक का सेरम। सो दिस वन इज अनदर डम डक का सेरम। सो यहाँ पे है और एक NYB का सेरम। सो ये वाला है नायका का टी ट्री ऑयल। सो यहाँ पे रखा है माई ऑल टाइम फेवरेट गुड वाइब्स का रोजिप सेरम। सो यहाँ पे है दोनों टी ट्री ऑयल मेरे, ये और एक टी ट्री ऑयल, ये और एक टी ट्री ऑयल। आई जस्ट लव टी ट्री ऑयल, आप देख सकते कितने सारे टी ट्री ऑयल रखा है इसमें। सो ये है प्लम का सेरम सी बकथॉर्न वाला। सो ये है पर्पल का सेरम, एंड ये वाला है वाय नेचुरल का नियासिनमाइड सेरम, एंड ये है मेरा रोज वाटर गो एल्प्स गुडनेस का। इसको ओपन नहीं, ये वाला सेक्शन तो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जो आप छोटे मोटे क्रीम देख रहे हैं वो सब पर्पल के साथ, ये सब सैंपल यू नो फ्री में मिलता है। सो यू कैन सी दिस वन इज डम डक का लाइट अल्ट्रा लाइट डेली मॉइस्चराइजर। उसके बाद जो है वो है दिस वन, दिस वन इज गुड वाइब्स का पपाया ग्लो फेस मास्क। दिस वन इज डम डक का सॉफ्टनिंग फुट क्रीम, एंड देन दिस वन इज डम डक का अगेन डम डक का फेस जेल, एंड वेट अ सेकेंड, दिस वन इज गुड वाइब्स का स्क्रब, डक का स्क्रब। दिस वन इज समथिंग वही डम डक का कुछ है, एंड दिस उसके पास भी मेरे कुछ स्क्रब्स रखे हैं। सो ये वाला है एम कैफिन का स्क्रब। ये स्क्रब मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद था, क्योंकि मैं अभी केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर रही हूँ, सो आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ स्क्रब। देन ये वाला है बायोटिक का स्क्रब, एंड दिस वन इज मिल्क एंड हनी स्क्रब फ्रॉम ओरिफ्लेम। सो ये ख़त्म हो गया मेरा ये पूरा कंपार्ट सेक्शन, और यहाँ पे है बहुत सारे ब्यूटिफुल प्रोडक्ट्स। सो एज यू ऑल कैन सी दिस, मेरे सारे जो आई मेकअप के प्रोडक्ट है वो मैं इसमें स्टोर करके रखी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे है मेरे ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आई लैशेस, मेरे पास टोटल इतने ही आई लैशेस है, ज़्यादा आई लैशेस मैं नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि मेरे को आई लैशेस लगाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। सो लेट मी शो यू वन बाय वन, ये है लोटस का आई लाइनर, उसके बाद एक लैक्मे एब्सोल्यूट आई लाइनर है, उसके बाद एक आई लैशेस ग्लू है मिस क्लेयर का, फिर लैक्मे का कुछ आई लाइनर, NYB का आई लाइनर, इन साइड का आई लाइनर, अनदर लोटस वाला आई लाइनर, दिस वन इज वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट, ये वाला लेट मी शो यू समथिंग एसेंस ब्राउ जेल है ये वाला। यहाँ पे है मेरे दो बेबी लिप्स, सॉरी एक बेबी लिप्स और एक नीविया का। ये है मेरे काजल, आप देख सकते हैं
यहाँ पे जो काफ़ी हद तक मेरे सारे लैक्मे का काजल है, ये वाला है, ये वाला अनदर ब्राउ का आर्च अराइवल शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ प्रोडक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे काजल एंड लाइनर वगैरह है। यहाँ पे माई ग्लैम का काजल है और ये वाला एक स्केच लाइनर है शिवाना कलर्स का। सो ये वाला मेरा मस्कारा है, ये वाला शायद मेबलिन का है, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका है। ये वाला ब्यूटी पीपल का मस्कारा है। देन अनदर वन इज़ आईटेक्स मस्कारा, दिस वन इज़ इनसाइट मस्कारा, दिस वन इज़ मेबलिन हाइपोकल मस्कारा एंड दैट वन इज़ एसएफआर कलर मस्कारा। एंड इन सब के बाद एक आईलैशेस कलर है यहाँ पे, और यहाँ पे है मेरे आईलैशेस। ये बहुत ही सुंदर आईलैशेस है। अभी मैं सोच रही थी और आईलैशेस लेने के लिए, व्हेन आई विल बाय देम आई विल शो यू। सो इसके बाद जो कंपार्टमेंट है वो है दिस। अभी इसको हम धीरे से ओपन करेंगे क्योंकि ये हमेशा गिर जाता है। बहुत मेहनत से मैं इसको ऑर्गेनाइज की हूँ। सो लेट मी शो यू वन बाय वन। यहाँ पे सारे के सारे मेरा फेस का मेकअप प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे प्राइमर देख सकते हैं, और ये यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ हैं मेरे पास और ऑर्गेनाइज़र नहीं था तो मैं इस डिब्बे में रखती हूँ। सो लेट मी शो यू वन बाय वन। सो ये वाला है शुगर का स्टिक फाउंडेशन, दिस वन इज़ शुगर लिक्विड फाउंडेशन, दिस वन इज़ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन माई ऑल टाइम फेवरेट, दैट वन इज़ सुपर स्टे फाउंडेशन मेबलिन का, दिस वन इज अश्योर का बीबी क्रीम स्टेक वर्की का फाउंडेशन मेबलिन फाउंडेशन फेसेस कैनेडा गार्नियर, ये है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, यहाँ पे है लैक्मे का फाउंडेशन, यहाँ पे है लैक्मे का मूज, यहाँ पे है इनसाइड का लिक्विड फाउंडेशन। सो ये सब फाउंडेशन के बाद यहाँ पे मेरे कुछ कंसीलर्स हैं, सो लेट मी शो यू। सो यहाँ पे है फर्स्ट इनसाइड का कंसीलर, ये वाला है मेबलिन का कंसीलर, स्विस ब्यूटी का NYBAY का इनसाइड का, ये वाला पता नहीं किसका है। सो ये वाला भी NYBAY का स्टिक कंसीलर है, ये इनसाइड का कलर करेक्टर पैलेट है, ये वाला समथिंग डर्मा समथिंग कुछ है डर्मा कलर का कंसीलर, ये मेरे को आईब्रोज बनाने में बहुत मतलब हेल्प आता है। सो यहाँ पे आई हैव माई कॉम्पैक्ट में ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे इतना ज़्यादा नहीं पसंद है तो मैं बहुत थोड़ा सा ही कॉम्पैक्ट रखी हूँ, मतलब एक ही दो। ये वाला एक फिटमी का कॉम्पैक्ट है, अनदर वन इज दिस बनाना पाउडर कॉम्पैक्ट फ्रॉम शुगर एंड दिस वन इज द लूज पाउडर फ्रॉम स्टेक वर्की। ओके, सो ये वाला मेरा फेस मेकअप का है। एंड हियर आई हैव सम प्राइमर्स, प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे रखी हूँ इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर, यहाँ पे मेरे पास है NYBAY का प्राइमर, दिस वन इज स्टेक वर्की का लिक्विड बेस प्राइमर एंड दिस वन इज ब्लू हेवन वाला प्राइमर, और ये गार्नियर का माइसलर वाटर है, और ये लिपस्टिक का 2 डिब्बा है, और ये मेरा पर्स है वॉलेट। सो ये सेक्शन हो गया है ख़त्म। सो अभी हम चलेंगे ये नीचे वाले ड्रॉयर में, लेट मी ओपन इट। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये नीचे वाले ड्रॉयर में बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स मैं रखी हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, सो यहाँ पे रखे हैं मेरे कुछ टोनर्स, सो लेट मी शो यू। सो ये 2 टोनर है प्लम का, ये टोनर है एब्स गुडनेस का, ये वाला मेकअप फिक्सर है ब्लू हेवन का, डम डक का टोनर, लॉरियल का क्रिस्टल मिस्ट, ये भी मिस्ट है फेस मिस्ट, ये वाला कामा आयुर्वेदा का है, ये वाला मेकअप फिक्सर है इनसाइट का, ये वाला फेस मिस्ट है, ये वाला अगेन एल्ब्स गुडनेस का, और डम डक का मैं इतना सारा प्रोडक्ट ली हूँ तो मेरे को बहुत सारे सैनिटाइजर फ्री में मिले हैं। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस वन इज माई फेवरेट सेक्शन। सो यहाँ पे रखे हैं मेरे सारे के सारे आई शेडो पैलेट। सो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ, ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, बस वैसे ही दिखा दूंगी, कभी मैं इसका पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी आपको वीडियो में। सो मेरे पास फर्स्ट पैलेट है जैकलिन हिल का, यहाँ पे है ब्यूटी ग्लिस्ट का पैलेट, यहाँ पे शायद शिवाना कलर्स का एक पैलेट है, यहाँ पे मेकअप रिवोल्यूशन का एक पैलेट है, स्विस ब्यूटी का पैलेट है, हिलेरी रोडा का पैलेट है, देन आई हैव दिस वन ट्विंकल आई शेडो ग्लिटर आई शेडो पैलेट। सो ये 2 है ब्यूटी पीपल का ब्लू आउट पैलेट, थोड़ा ज़्यादा डीप है ना मेरा ड्रॉयर तो थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। सो यहाँ पे है वेट एंड वाइल्ड का पैलेट, यहाँ पे एक
ये मेरा पैलेट एक है कलर स्कूल का, ग्लैम 21 का पैलेट। ये मैं खुद पे नहीं यूज़ करती हूँ, बच्चों को मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ मैं। ये स्विस ब्यूटी का पैलेट है, और ये वाला है पता नहीं लोकल मार्केट से मैं ली थी। सो यहाँ पे मेरे थ्री फेवरेट पैलेट है। दिस वन इज़ निका के ऑटम स्पाइस, दिस वन इज़ मोका मिक्स, एंड दिस वन इज़ बर्थडे केक। दिस वन इज़ एस एफ आर ऑब्सेशन पैलेट। दिस पैलेट इज़ रियली वेरी ब्यूटिफुल, ये सब बाद में दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे कुछ इतने पैलेट्स हैं और भी मेरे पास पैलेट्स हैं, ऊपर मैं दिखाऊंगी छोटे छोटे सिंगल आई शेडोज है। और ये वाला जो पैलेट है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट पैलेट है, इसको मैं रखी हूँ यहाँ पे। एंड हियर आई हैव सम हाइलाइटर्स एंड ब्लशर्स। ये वाला शुगर का हाइलाइटर है, ये थोड़ा श्रेयॉन का कुछ हाइलाइटर, ये वाला भी हाइलाइटर ब्लशर सेट है। ये वाला दो मुझे मिला था पीआर में, के प्ले का हाइलाइटर फ्रॉम माई ग्लैम। दिस वन इज एस एफ आर ब्लशर, एंड ये मास्टर क्रोम हाइलाइटर जो कि गंदा पूरा टूट गया है। एंड हियर आई हैव माई सैनिटरी नैपकिन्स, और यहाँ पे है मेरा यू नो कवर्स, फोन कवर्स। यहाँ पे है मेरा हेयर ड्रायर और मेरा हेयर स्ट्रेटनर, कहाँ पे पड़ा है मैं यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाला जो क्लॉथ है फर वाला मैं यूज़ करती हूँ फोटो वोटो खींचने के लिए, बैकग्राउंड के लिए। दिस वन इज़ द फ़ोन होल्डर, जब मैं व्लॉगिंग करती थी फ़ोन से, अभी जब मैं कैमरा ली तो कैमरा का ये वाला मैं होल्डर लाई हूँ, ट्राइपॉड वाला। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। इसको बंद कर दे। सो ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, जो कि मेरे मिरर के पीछे है, एंड आई जस्ट लव दिस सेक्शन। यहाँ पे कुछ पांच कंपार्टमेंट है, और आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। एज यू नो आई बिलोंग टू ओडिया फैमिली, तो हमारे हर रैक में न्यूज़पेपर डालना इज़ कंपल्सरी, नहीं तो मम्मी डांटती है। सो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे मेरे उड़ीसी के ऑर्नामेंट्स इस बैग में है। लेट मी शो यू कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उड़ीसी के कुछ ऑर्नामेंट्स रखे हैं, वहाँ पे मेरे घुंघरू है, और यहाँ पे मेरे जो टाहिया वगैरह है। सो ये सेक्शन में मेरा फर्स्ट, लेट मी शो यू दिस, हैंडल विथ केयर। सो यहाँ पे मेरे बहुत सारे नेल पेंट्स रखे हैं, फेरी लाइट्स हैं, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी के दो तीन डिब्बे हैं, यहाँ पे चिया सीड है जिसको मैं कभी कभार खा लेती हूँ, और यहाँ पे जो लिपस्टिक का डिब्बा है, आई डोंट यूज़ दिस लिपस्टिक नाउ, अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ मैं इस लिपस्टिक को। और यहाँ पे और दो ज्वेलरी का डिब्बा है, और इससे ऊपर जब हम जाएंगे, सो दिस इज माई फेवरेट कंपार्टमेंट बिकॉज इट कंटेन्स लिपस्टिक। और यहाँ पे मेरे ब्यूटिफुल मेकअप ब्रशेस है, एज यू ऑल कैन सी, मैं इनको नहलाई थी कुछ ही दिन पहले। और ये वाला मेरा फेस मेकअप ब्रश है, एंड दिस वन इज माई आई मेकअप ब्रश। ओके, सो मैं इनको नीचे ले आती हूँ सो दैट आई कैन शो यू माई लिपस्टिक कलेक्शन। एट दिस टू ब्यूटिफुल लिपस्टिक ऑर्गेनाइजर, जो कि मेरे लिपस्टिक को इतने सुंदर करके रखे हैं, बट आई डोंट लाइक टू ओपन कार्डबोर्ड ऑफ द लिपस्टिक, क्योंकि मेरे को ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। सो यहाँ पे फ्रंट में मेरे सुगर का मिनी लिपस्टिक सारा रखा है, फिर इनसाइड का है, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का है, माई ग्लैम का है, और कुछ बायोटिक का है, मिस क्लेयर का है, स्टेकवर्की का है। गो अप तो यहाँ पे कुछ ये वाला जो ग्लिटरी सा सुंदर सा बैग है, ये मेरे को इनसाइड कॉस्मेटिक्स में फ्री में मिला था। सो यहाँ पे एक बॉल आपको दिख रहा होगा, मेरे कुछ क्लिप्स, सेफ्ट पिंस और ब्लेंडर दो तीन मैं यहाँ पे रखी हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर। सो रुकिए, मुझे थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। है जो मिनी लिपस्टिक्स मैं लाई थी, एंड मेरी छोटी बहन उसको पूरा ख़राब कर चुकी है, तो मैं बस उसको रखी हूँ वैसे ही। सो यहाँ पे है कुछ एल्प्स गुडनेस का यू नो मुल्तानी मिट्टी पाउडर और बहुत सारे पाउडर, और वहाँ पे शीट मास्क रखा है। एंड दिस वन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इसको मैं नीचे ला के आपको दिखाऊंगी, ऑर्गेनाइजर आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें मैं सारा सिंगल आई शेडोज रखी हूँ, जैसे कि ये एन वाई बे का आई शेडो हो गया, ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, और ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का जो लूज फॉयल आई शेडोज। देन नीचे वाले सेक्शन में आई हैव किप्ट ऑल माई लिप लाइनर्स, यहाँ पे बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं और कुछ आई शेडोज भी है। सो दिस वन इज माई फेवरेट,
ऑर्गेनाइजर, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे सारे उड़ीसी का जो मेकअप है, जो कि मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं है, सो वो रखा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई वैनिटी, और इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। सो इसके साइड में मेरा ये वाला जो मेरा कंपार्टमेंट है, ये ऐसे ही ओपन है, इसमें कोई कबर्ड या ग्लास व्लास नहीं लगा है। सो इसमें मैं कुछ प्रोडक्ट रखती हूँ जो मेरे डेली यूज प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे है ओजीवा प्लांट बेस्ट, जो भी प्रोडक्ट मेरे को पीआर में मिलते हैं ओजीवा से वो यहाँ पे है। नीचे भी एक शैम्पू रखा था बेला वीटा का, वो खत्म हो गया। सो नेक्स्ट यहाँ पे मेरे बहुत डिफरेंट परफ्यूम्स रखे हैं। आई डोंट यूज़ हाई एंड परफ्यूम्स, अभी मैं स्टार्टिंग ही कर रही हूँ तो मैं अपने मतलब उस हिसाब से परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ। और इसके नीचे है मेरा हेयर केयर। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे शैम्पू के डिब्बे थे, मैं उसको निकाल दी हूँ। सिर्फ जो अभी मैं रिसेंट यूज़ कर रही हूँ हर्बल एसेंस का शैम्पू एंड कंडीशनर रखे हैं। दिस वन इज़ ड्राई शैम्पू, दिस वन इज़ वैसलिन बॉडी लोशन, वो जॉय का बॉडी लोशन, ये गुड वाइब्स का ऑयल, और इसके पीछे मेरा जॉनसन बेबी पाउडर है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। एंड उसके नीचे मेरा कंगी रखा है, ये सैनिटाइजर है, और ये मेरा फेस वॉश है। आई यूज़ दिस फेस वॉश, दिस वन इज़ मेडिकेटेड फेस वॉश आहा ग्लो सैलिसिलिक एसिड विथ ग्लाइकोलिक एसिड। अच्छा, फेस वॉश है, ख़त्म हो गया। इसमें मैं डर्मडॉग का फेस वॉश डाल दी हूँ। और यहाँ पे है मेरा So this was all about my vanity tour. I hope you must like this. So